दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। देवसेना संगठन के लोग सारण पुलिस थाने पहुंचे हैं और हमारे सामने बृजभूषण सैनी जी हैं और उनकी टीम है। आइए पता करते हैं थाने आने की क्या वजह है। आज होली का त्यौहार भी है और होली के त्यौहार के दिन भी थाने आने पड़ा है, तो क्या वजह इसकी रही है? सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, क्यों आ गए थाने आप लोग आज? दरअसल थाने इसलिए आना पड़ा, हमें सूचना मिली अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जो कार्यालय हमारे भाई ने खोला था गुलशन ने देवसेना का, और वो युवा अध्यक्ष है नाइटी के देवसेना के, तो उनका कार्यालय में किसी ने आग लगा दी और वहाँ जो रैली को लेकर हम तैयारी कर रहे थे रामनवमी शोभा यात्रा को, वहाँ कुछ कैश भी था 15-20 हज़ार रुपये, वो भी वहाँ से लूट लिए गए। और इन लोग जैसे ही मुझे ये सूचना मिली तो मैं थाने आया। अब थाने आके पता लगा कि हमारे जो शिकायतकर्ता है गुलशन भाई, उसी को पुलिस ने मतलब उसी के साथ बदतमीजी करी और उसी को हिरासत में ले लिया। फिर अब उसी पे कार्रवाई ये करने का मन बना रहे हैं, जबकि वो शिकायतकर्ता है। और इस मामले में हमने अभी सीपी को और बहुत सारे अधिकारी हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उन सबको लेटर भेजा है मेल के द्वारा। वे इस मामले में पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि ये कार्यालय में आग किसने लगाई है और कौन कौन दोषी है। वैसे एक नाम आया है, क्या नाम था? धीरज है, और उसके कुछ साथ में गुंडे हैं। वो 15-20 जने आए और उन्होंने कार्यालय को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास आग लगा दी थी और वहाँ ये सारी घटना को अंजाम दिया। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनका आपस में? रात के समय में किसी से कोई विवाद हुआ था, लेकिन उसके बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने आके और ये दोपहर को ये तो गुलशन ने क्या शिकायत दी थी? गुलशन ने शिकायत दी है भाई, कुछ लोगों ने कार्यालय में आके आग लगाई है और वहाँ से कैश भी लूट लिया है। तो हम चाहते हैं, इसने पकड़ा यहाँ पर ले आई तो कहाँ से पकड़ा? वो शिकायत करता है, वो शिकायत करने आया था। उसने 112 में बीटी भी दी, सूचना भी दी 112 पे, कंट्रोल रूम को भी सूचना दी भी इस तरह से कार्यालय को जला दिया और ये घटना करी है। और ये धीरज है, ये इसके साथ कुछ लड़के बदमाश टाइप लोग आए थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन अभी तक पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, ना कोई कार्रवाई की है। वो तो जांच के बाद मुकदमा। हाँ, अभी अब हम इस मामले में चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा जी, अच्छा। कोई है गुलशन के घर वाला, कोई है जो जानकारी दे सके? हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अजीत जी। क्या हुआ था जी? हम सुबह ऑफिस पे बैठे हुए थे, रात की हमें नहीं पता, सुबह ऑफिस पे बैठे हुए थे, इन्होंने धमकी दे के गए भाई दुकान, तुम्हारे ऑफिस वॉफिस यहाँ से चले जाओ, ऑफिस में आग लगा दिया जाएगा। किसने? ये धीरज ने। अच्छा, कहाँ का है धीरज? ये सारण गांव का है। अच्छा ठीक है, हाँ जी। चलो, इस मामले में पुलिस जांच कर रही, पड़ताल कर रही है कि क्या हुआ था। पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी और फुटेज वगैरह ढूंढे जाएंगे। हो सकता है आसपास कोई फुटेज हो, वहाँ पर क्या हुआ था इसकी जानकारी अभी सही सही तो किसी को नहीं है। जो सूचना मिली है उसी के अकॉर्डिंग पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। अब गुलशन बजरंगी जिन्होंने कल ऑफिस खोला था, उनकी क्या शिकायत है ये गुलशन मिलेंगे तब पता चलेगा। ये भी पता किया जाएगा क्या उन्होंने कोई रिटर्न में कंप्लेन की है, हर चीज़ की जानकारी हासिल की जाएगी। इन सब की यही मांग है सीपी साहब से कि इस मामले में जांच पड़ताल की जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। सैनी साहब की यही मांग है और इन्होंने ईमेल के जरिए जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। बिल्कुल दे दिए। सारण थाने से भी यही मांग है कि ठीक से मामले में बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि कार्यालय को फूकना कोई सामान्य बात नहीं है और लूटपाट करना, ये जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और गुलशन ने भी इस मामले में शिकायत करी है, सुबह भी करी थी जब उसे धमकी दी गई, तब भी उस पर मतलब जिन दोषियों पर कार्रवाई होनी थी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हम चाहते हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और निष्पक्ष जाँच हो। और दोषी जो बाहर घूम रहे हैं, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, कार्यालय को फूका है, इनके साथ मारपीट भी करी है, मतलब मारपीट भी करो, कार्यालय को भी आग लगा दो, ये बदमाशी इस तरह से नहीं चलेगी यहाँ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही इसी मामले में अभी जो मुझे सूचना मिली है कि शिकायतकर्ता को ही पकड़ लिया पुलिस ने, जबकि वो शिकायत करने आया है, उसी को बैठा। उसके खिलाफ भी कोई शिकायत हो रही हो? नहीं, उसके खिलाफ अभी तक मैंने पूछा था। हाँ। सुरेंद्र है इस केस का, ये मैंने पूछा था भाई इसके खिलाफ, गुलशन के खिलाफ कोई है एप्लीकेशन जी? इनके खिलाफ नहीं है, तो भाई इनको क्यों बैठा लिया? बोले नहीं, हम अपने तरीके से बात कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं।
तो इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। चलो जी, पुलिस को भी चाहिए अगर कोई शिकायत देने आया है तो उसकी शिकायत ली जाए, जांच पड़ताल की जाए, ये नहीं कि उसी को बैठा लिया जाए। जो इन्फॉर्मेशन ये लोग दे रहे हैं और हमें भी यही इन्फॉर्मेशन दी गई थी, हालांकि पुलिस इस मामले में बयान जारी करेगी तो वो भी आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि पुलिस जो है हो सकता है जाँच के बाद बताए कि इस केस की सच्चाई क्या है, तो उस सच्चाई का भी इंतज़ार रहेगा। तो जो है तमाम संगठन के लोग हैं और यहाँ पर पहुँचे हुए। हाँ जी, सबकी यही मांगे। हाँ जी, यही मांगे जी। हाँ जी, बिल्कुल सबकी यही मांगे कि जांच होनी चाहिए, ठीक से जांच होनी चाहिए। और देखो, कई बार छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं, छोटी मोटी वारदातें होती हैं, और कई बार अगर उसको इग्नोर किया जाता है तो कई बार बड़ी वारदातें भी हो जाती हैं कई बार आगे। ठीक है, आप सुनते होंगे कि भाई छोटा केस था, अगर पहले पुलिस इसमें जांच कर लेती, कार्रवाई कर देती तो बात बढ़ती नहीं, और कई बार इग्नोर किया जाता है तो बात बढ़ जाती है और कई बार मर्डर तक हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, सारण गांव है, अच्छा गांव है, वहां पर कुछ गलत ना हो तो पुलिस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए इस मैटर में और ठीक से कार्रवाई करे, ठीक से जाँच पड़ताल करे। इन सबकी यही मांग है, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।